स्टेशन। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा एक नंबर के बाद या एक ईयर के बाद एडी और बीसी लिखा होता है। तो आपको पता है एडी और बीसी में बेसिकली फर्क क्या होता है और एडी और बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वो सब सीखेंगे, एडी और बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और एडी और बीसी कौन कौन से टाइम पीरियड में आते हैं। ठीक है, तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में एक नंबर लाइन होता है जिसमें कि जीरो को रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं और जीरो के बाद जो सारे इंटीजर्स आते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और जीरो से पहले जो सारे इंटीजर्स आते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उसी टेक्निक के जरिए से एडी और बीसी कौन कौन से टाइम पीरियड में आएंगे आज हम वो देखेंगे। तो वहां पे मैथ्स में हम रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से जीरो को लेते हैं, मतलब मिडिल पॉइंट के। यहाँ पे हम जीसस क्राइस्ट का बर्थ को लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा रहेगा, जीसस क्राइस्ट का बर्थ। मतलब पहले तो हम बीसी का और एडी का फुल फॉर्म लिख लेते हैं, उसके बाद हम कौन से टाइम पीरियड में एडी रहता है और कौन से टाइम पीरियड में बीसी रहता है उसके बाद हम बोलेंगे। ठीक है, तो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी। बीसी का हो गया बिफोर क्राइस्ट, एडी का हो गया एनो डोमिनी। मतलब यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट है जीसस क्राइस्ट का बर्थ। ठीक है, मतलब यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के बाद के पहले जो सारे हमारे घटनाएं हुए हैं, जो सारे इंसिडेंट हुए हैं उनको हम बीसी में लिखेंगे। ठीक है, और जीसस क्राइस्ट के बाद जो सारी घटनाएं हुए हैं, जो सारे इंसिडेंट हुए हैं उनको हम एडी में लिखते हैं। मतलब देख लीजिए, और एडी को इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, एडी पीरियड को इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। लॉर्ड मतलब क्या होता है, भगवान। ठीक है, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट कौन थे, भगवान थे। मतलब उनके बाद के बाद जो सारे इंसिडेंट हुए हैं, मतलब उनके जन्म के बाद हुए हैं, तो इसलिए ये एडी पीरियड को इन द ईयर ऑफ लॉर्ड बोला जाता है। मतलब भगवान की उपस्थिति के जरिए जो सारे इंसिडेंट हुए हैं उनको एडी में लिखा जाता है। तो आप समझ गए, मतलब रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारा जीसस क्राइस्ट का बर्थ, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ मतलब जीसस के बाद से पहले जो सारे इंसिडेंट हुए हैं उनको हम बीसी में लिखते हैं, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो सारे इंसिडेंट हुए हैं उनको हम एडी में लिखते हैं। ये हो गया एडी और बीसी, उनको हम फुल फॉर्म भी लिख ले। बीसी का फुल फॉर्म हो गया बिफोर क्राइस्ट, एडी का हो गया एनो डोमिनी। और दो टर्म भी आते हैं जैसे कि सीई एंड बीसीई। सीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन ईरा। ठीक है, और बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन ईरा। ठीक है, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन ईरा। ये सीई और बीसीई का फुल फॉर्म होता है। तो सीई कौन से टाइम पीरियड में, सीई मतलब प्रेजेंट टाइम को बोला जाता है। ठीक है, सीई मतलब प्रेजेंट टाइम को। तो प्रेजेंट टाइम कौन कहाँ पे आएगा, एडी में आएगा। ठीक है, एडी में आएगा सीई, और बीसी में आएगा बीसीई, मतलब बिफोर कॉमन ईरा, जो कि जीसस क्राइस्ट के बाद के पहले हुआ है, वो बीसीई आएगा बीसी में, और एडी में आएगा सीई। ठीक है, जो कि है कॉमन ईरा, मतलब प्रेजेंट टाइम को बोला जाता है। तो यही था एडी और बीसी में बेसिकली फर्क। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।